मिलिट्री मुलिट्री वाली सानू कोई दिक्कत नहीं, हम पंजाबी हैं, हम गुरुओं की धरती है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल है, हम मौत से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते, ना मोदी से डरते हैं, ना खट्टर से, किसी सरकार से। मैं हूँ श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। जैसे आपने देखा कि किसानों में कितना जोश और कितना सरकार के खिलाफ विरोध है, यहाँ से तो अब जो कि खटखड़ के पास जो आयु है नरवाना जींद आयु है, इस पर किसान जो पंजाब से लगातार आ जा रहे हैं सर, बठिंडा से सर, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, आपका झंडा देख कर मैंने भी लगा आप किसान आंदोलन में जा रहे हो, जो अब आप दिल्ली जाओगे तो किसानों को उसमें कई दिन से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने फौजियों का भी समर्थन मिला, फौजी भाइयों का भी समर्थन मिला, लेकिन सरकार अब लग झुक नहीं रही। जो हमारे मोदी सरकार, मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, अभी तक कोई भी मैंने किसानों के उसमें स्पेस नहीं आया, तो इसका क्या कारण है भाई? तो सर जो है ना किसान उसे यही कह रहे हैं कि सरकार से कि अपनी मांगे हैं, जो भाई वो जो किसान का जो आंदोलन हो रहा है बहुत ज़्यादा, भाई वो अपने जो फैसले किए हैं वो किसान कानून रद्द कर ले, बस उसी लिए प्रकार हम जा रहे हैं वहाँ पर, इसी पर सरकार हमारा और भी बठिंडे से काफिला आ रहा है, कम से कम 2 लाख और वहाँ से आ रहे हैं, और अलग अलग काफिला तुरा हुआ है, 14 तारीख को कि दिल्ली पूरी घेर लेंगे, पूरा काफिला हमारा 14 तारीख को आ जाएगा जी, पूरा काफिला जो आपका 14 तारीख को आ जाएगा। सर कल सुना है जो वहाँ पर मिलिट्री भी प्रवेश कर चुकी है, मिलिट्री मुलिट्री वाली सानू कोई दिक्कत नहीं, हम पंजाबी हैं, हम गुरुओं की धरती है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल है, हम मौत से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते, ना मोदी से डरते हैं, ना खट्टर से, किसी सरकार से नहीं डरते हम। सर एक और आई है जो स्पेस कहा गया, जो सिख है वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी, हम खालिस्तानी हैं यार, हम किसान हैं, खालिस्तानी कोई नहीं है भैया, जैसे वो जी न्यूज़ वाले है, ये सारे बिके हुए है, गोदी मीडिया है, और आपका जो आप असे हों आदमी जो हमारा प्रचार ले रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हों, ये जी न्यूज़ वाले सब गोदी मीडिया है ये जी। हाँ बिल्कुल सही नहीं है, किसानों का विरोधी कहता है कि ये जे किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोधी है, इसको पाकिस्तान से आ रही है और इसको चीन से आ रही है, कि जहाँ पर कोई है बिल्कुल नहीं किसान का साथ दे रहा अभी जी। जो जैसे उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, जो इसमें कांग्रेस सरकार है वो सहयोग दे रही है, नहीं नहीं कोई कांग्रेस नहीं सरकार दे रही, कोई आम आदमी पार्टी नहीं दे रही, हमें कोई नहीं, हम किसान है, किसान ही जा रहा है दिल्ली में जी। हाँ। जो ये अभी बिल अभी तक तो लागू भी नहीं हुए, जो अगर जो ये बिल लागू हो जाए तो किसान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा भाई? लीगल तो हम भाई जो लागू नहीं होने देंगे, मर जाएंगे हम, लागू नहीं होने देंगे यार, कुछ मर्जी हो जाए हम लागू नहीं होने देंगे बिल, ये चाहे तो सरकार चाहे हमें गोली मार दे, हमें कुछ मर्जी कर ले, हम नहीं लागू होने देंगे जी। तो आप अब वहाँ पर जैसे 10-12 दिन तो अभी हो गए वहाँ पर बैठे किसानों को, तो अब आप जा रहे हो तो आप कितने दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हो? हम तो जितना चल फतेह नहीं होता काम, रात को कानून रद्द नहीं होता, उतने दिन वहाँ ही बैठेंगे वहीं पर। हाँ तो जो अपने खाने पीने का प्रोग्राम, खाने पीने का प्रोग्राम हमारा 1 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का प्रोग्राम हमारे बठिंडे से आ ही जा रहा है जी। बहुत माल आ रहा है अभी से, बहुत माल वो गाँव पड़ा है, बहुत है अनाज। तो आप सरकार जैसे अभी लग झुकी नहीं, सरकार के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसे सरकार अभी तक तो झुकी नहीं किसान बिल पर, तो आगे पड़ेगा सर, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है जो किसान विरोधी है, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है किसान के पास, किसान तो यहाँ पर मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। देखो एक और बात है, जैसे जो फौजी भाई हमारे, लेकिन कई लिखा होता है कि सीमा पे जवान खेतों में किसान, जो सीमा पे जवान था वो भी आज अपने 25,000 मेडल दे चुका है, राष्ट्रपति को सौंप चुका है वापसी, और जो किसान है वो आज सड़क पर बैठा हुआ, जो कि आज सर्दी के टाइम में उन्हें घर पर रहना था, वो आज किसान आज सड़क पर बुरी तरह लौटा हुआ। सर जो फौजी की बात है, हमारा मेरा भाई है, जो एक तो पुलिस में है, एक मैं हूँ, मैं किसान आंदोलन करने जा रहा हूँ दिल्ली में। हाँ अगर हमारे साथ जो हमारा भाई है वो भी हमसे गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि फौजी भी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई हैं, जो हमारे साथ आएगा लेकिन वो भी हमारा बॉर्डर पे खड़ा है, एक का बेटा तो बॉर्डर पर है, एक का किसान है, तो अपने भाई पर गोली तो नहीं चलाएगा वो, इतना तो है बनता है सर। हम जो करेंगे किसान आंदोलन,
जितना तक हमारा फैसला नहीं आ जाता हमारे हक में, उतना आप पीछे नहीं हटेंगे अभी जी। हाँ, तो अब आप पंजाब यहाँ से जो दिल्ली आप जा रहे हो बॉर्डर पर, वहाँ से आपका घर कितनी दूर है? दिल्ली जहाँ से अभी 350 है, 350 किलोमीटर आप दूर अभी बॉर्डर पर जा रहे हैं? हाँ, 350 किलोमीटर पंजाब से आए हैं अभी जी। साहब धन्यवाद। देखिए जो मैंने अभी दिखा, जो ये पंजाब से किसान हैं, इनमें कितना रोष और सरकार के खिलाफ इनमें कितना प्रदर्शन कर रहे हैं ये, लेकिन सरकार अभी तक झुक नहीं रही। इनका कहना कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम वहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें महीना या 6 महीने या साल लग जाए, लेकिन हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। धन्यवाद।